नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। ज्ञान रूपी बहती इस गंगा में मैं चैतन्य रावल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो यह है कि कौन सी अंगुली से किसे तिलक करना चाहिए। विषय बहुत संक्षिप्त में है और कुछ इस तरह है। मनुष्यों के शरीर में पंच अंगुलियां रहती है अंगुष्ठ के साथ। सबसे पहले अंगुष्ठ की जो बात करें तो अपने राष्ट्र के हेतु जो बलिदान देने के लिए उद्यत हुए हैं, वैसे जब वीर रणसंग्राम में जाते हैं तब उनको विजय प्राप्ति के हेतु विजय तिलक करना आवश्यक है। वो विजय तिलक अंगुष्ठ से होता है, तो जब कभी विजय तिलक की बात आए तो अंगुष्ठ से तिलक करें। दूसरी जो अंगुली है जिसे संस्कृत में तर्जनी कहते हैं, तो तर्जनी से पितरों को तिलक किया जाता है। बहुत सारे लोग ये तर्जनी से दंत धावन भी करते हैं, तो यह नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे अपने जीवन में पितृ दोष भी आ सकता है। अतः प्रथम अंगुली से दंत धावन कभी न करें। पितरों की छवि को पितृकर्म में जब तिलक की बात आए तब तिलक तर्जनी से करें। मध्यमा जो है, जो मध्य अंगुली है, वो मनुष्य की अंगुली है। अतः मनुष्य को तिलक करना हो, चाहे खुद को भी तिलक करना हो, तो मध्यमा जो अंगुली है उसका प्रयोग करें। फिर बात आती है अनामिका की। यह अंगुली देव कर्म में प्रयुक्त होती है। जब देवताओं को तिलक करने की जब बात हो तब अनामिका का प्रयोग अवश्य करें। और अंतिम जो अंगुली है वह कनिष्ठिका, जो तंत्र मार्ग की अंगुली है। वैसे तंत्र दो प्रकार के हैं, एक सत्व तंत्र और एक तामस तंत्र। जब बात सत्व तंत्र की आए तब उपयुक्त में अनामिका का प्रयोग करें, और जब बात तामस तंत्र की आए तब तामस तंत्र के अंदर कनिष्ठिका का प्रयोग करें। विशेषतः बिहार और बंगाल के अंदर जब नवरात्र और दशहरा के दिन दुर्गा पूजा होती है तब तंत्र के बाद ये कनिष्ठिका का छेदन करके रक्त भगवती को समर्पित करने की प्रथा है। इस प्रकार ये पंच अंगुली का महत्व रहा गया है। आपको धर्म के विषय में, आध्यात्म के विषय में कोई भी प्रश्न या शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर वो प्रश्न हमें बताकर हम तक पहुंच सकते हैं। हम शास्त्र सम्मत बात से उसका पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास अवश्य रूप से करेंगे। प्रणाम।